ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वो ऊपर है, ऊपर सीढ़ी ऊपर है। ये जनाब ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर आ गया। डॉक्टर सदीका जी, गायनेकोलॉजिस्ट, मिली भगत से बच्चा यहाँ पर आया और किसी और को दे दिया, बच्चा अगवा हो गया। यानी ये हमें 2-3-4-5 पांच उंगलियों के प्रिंट्स आ गए। ये मैंने बच्चा रिसीव करवाया, ये मैंने अपना नाम भी लिखा, अपने दस्तखत भी किए। बेबी का, बेबी जो हुआ बेबी का भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई हो सकता है बच्चे अंदर दो हो रहे हैं एक टाइम, दो टेबल चल रहे हैं। कितने फिंगरप्रिंट्स लिए इस पे? तो पांच है। उस दिन कितने लिए थे? उस दिन वो स्टाफ तो इधर थी, उसने लिए थे तकरीबन एक ही लिया था। और वो भी शहादत की उंगली का लिया था तकरीबन। तो आईडी कार्ड भी नहीं लिखा था लेके, कोई तस्वीर भी नहीं उतारी। कैमरा किधर है जी? इधर का, ये सामने पीछे लगा हुआ है। एक कैमरा लगा हुआ है और इस एरिया से हटके जैसे ही हम बाहर जाते हैं जो इनका कॉरिडोर टाइप है, तो वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस दिन वो बच्चा नौमौलूद अगवा हुआ, ये भी फुआल नहीं था और बाहर वाला भी फुआल नहीं। बाहर से कोई भी आए आके ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुंह उठा के चला जाए तो ये पता तो है अंदर ये कहें कि 3-4 बच्चे एट अ टाइम पैदा हो रहे हैं, चलो जी मिक्स हो गया, एक का दूसरे के पास चला गया, एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, तो इट मींस के सारा प्लांटेड हुआ है। प्लांटेड जो भी है, लेकिन प्लांटेड जो भी है, लेकिन जब मैंने ये मंजर देखा है फिर आके मैंने बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पेशेंट का अभी पेट भी आप लोगों ने बंद नहीं किया, मैंने इसके सारे ऑपरेशन थिएटर के अभी शीशे तोड़ देने हैं। मैंने उनको स्टाफ को कहा है, तो मेरे भाई ने कहा है कि हम मैं आपकी क्लियरनेस कर दूंगा। उन्होंने कहा उस वक्त तक मैंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना जब तक 25,000 आप जो है वो सबमिट करवा के नहीं आते। उन्होंने मेरे भाई को कहा है कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, तो लेकिन आपने अभी किसी को बताना नहीं। फिर मैंने ऊपर मुँह किया, मैंने कहा मुबारक तो दी हमारा बच्चा दे। कहती बच्चा तो वो औरत ले गई। मैंने कहा हाँ मुबारक हमें दी, बच्चा हमारा वो औरत क्यों ले गई है? उन्होंने कहा बीबी चुप करे, हमें अपने अमले पे, हमें अपने डॉक्टर पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर यकीन है तो फिर हमारा बच्चा अंदर अंदर कैसे गायब हो गया? बाद में पता चला है कि जो लेडी डॉक्टर सदीका सऊद साहिबा हैं, उनका जो अपना जो बेबी होने वाला है वो अब नॉर्मल है, इस वजह से वो हमारे बच्चे को हासिल करके हमें अपना अब नॉर्मल बच्चा देना चाहती थी। जो पेशेंट था उसका पेट खुला हुआ था, पास खड़ी एक अनट्रेन्ड जो नर्स थी उसके हाथ में मैंने गॉज पीस देखे हैं, वो उसके साथ ब्लड साफ कर रही है पेट के अंदर से, पेट बिल्कुल खुला हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहवीना शेर। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला का ये है जनाब हॉस्पिटल है अलराई अस्पताल, और बाहर एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है कि गायनेकोलॉजिस्ट की अशद ज़रूरत है। क्या हुआ इस हॉस्पिटल में? एक बच्चा पैदा हुआ, माँ का सिजेरियन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ, नौमौलूद बच्चे को डॉक्टर की मिली भगत से अगवा करा दिया गया। बच्चे जब पैदा होते हैं ऑपरेशन थिएटर में तो उनकी जो रिसीविंग होती है उसमें थंबप्रिंट्स लगते हैं, तस्वीर उतरती है। इस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके आपको सारा प्रोसीजर दिखाते हैं, आ जाए। ये जनाब हॉस्पिटल के अंदर हम आ चुके हैं, दिखाएं जी ज़रा हॉस्पिटल दिखा दें। अलराई अस्पताल है ये, और इसमें बकायदा जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो ज़ाहिर तरीक़ाकार हैं इनका, उस तरह से ये काम करते हैं। क्या नाम है जी? मुजम्मिल। मुजम्मिल थोड़ा आगे आगे जी। मुजम्मिल, मुजम्मिल मेन रिसेप्शन कहाँ है आपका? ये मेन ही है, मेन रिसेप्शन है। कहाँ पर है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं? वो ऊपर है, ऊपर सीढ़ी ऊपर है। आ जाए जरा, कोई एक स्टाफ मेंबर आ जाए हमारे साथ, स्टाफ का आ जाए, आ जाए जी। जा रहे हैं जी मेन ऑपरेशन थिएटर में कि वहाँ पर ऑपरेशन होता है जाहिर है, और फिर बच्चे जो हैं वो जाहिर है बाहर अटेंडेंट को दिए जाते हैं। तो क्या प्रोसीजर है? मैं पहले वो आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ, फिर अगली बात करते हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और इस फ्लोर पर जो हॉस्पिटल है वो तो बहुत ही नीट क्लीन है, साफ़ सुथरा है।
अच्छे तरीके से काम होता दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। ये जनाब ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर आ गया है। जाहिर है कैमरा लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना मुनासिब नहीं है, पेशेंट्स होते हैं, खवातीन हैं, मसले मसाइल हैं। क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, हम किसी से बात कर लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर का ये वो स्टार्ट का एरिया है जहाँ पर जाहिर है डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, जो उनको पेशेंट से चाहिए होता है या जो पेशेंट के अटेंडेंट से चाहिए होता है, दरकार होता है, वो यहाँ पे आके मैसेजेस दिए जाते हैं। और मेरी बैक पे जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा है जिसके अंदर जाहिर है सर्जरीज होती हैं। क्या नाम है आपका? सुरैया एजाज। सुरैया एजाज जी। सुरैया, आप यहाँ पर नर्स हैं? जी, क्वालिफाइड। मैं 4 साल से। 4 साल जी। ठीक है। अच्छा सुरैया, मुझे ये बताइए कि बच्चा अंदर जब डिलीवर होता है जी, तो कितने डॉक्टर्स होते हैं अंदर? डॉक्टर्स एनेस्थेटिक होते हैं और एक दो OTA होते हैं और दो स्टाफ नर्सिस होती हैं, एक जनरल सर्जन होते हैं। अंदाजन कितने? तकरीबन 6 लोग होते हैं। 6 लोग होते हैं। हाँ, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी शामिल? गायनेकोलॉजिस्ट भी होती है। अच्छा, बच्चा अंदर पैदा हुआ है, डॉक्टर सदीका जी गायनेकोलॉजिस्ट, मिली भगत से बच्चा यहाँ पर आया और किसी और को दे दिया, बच्चा अगवा हो गया, वो क्या कहानी थी? ये मुझे नहीं पता, मेरी अंदर OT में ड्यूटी नहीं है। मेरी OT में ड्यूटी है यहाँ पर। OT वाले जो स्टाफ है ना, वो अलहदा होता है। हम लोग बाहर के ना, जो फीमेल वार्ड और सर्जिकल वार्ड और, तो मेरी वार्ड में ड्यूटी है। अच्छा, मुझे अंदर की। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब बच्चा अंदर पैदा होता है, आप नर्स हैं, एक अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, तो बच्चा जाहिर है बाहर अटेंडेंट्स को देते हैं ना आप लोग? किसको देते हैं? उसके बाप को। उसके बाप को देते? हाँ जी। बाप ना हो तो किसको देते हैं? फिर उसके जो मतलब ददियाल और ननियाल वाले जो पेशेंट के साथ हम लेके जाते हैं बच्चे को, पेशेंट को भी लेके जाते हैं, फिर जो उनके रूम में पूछ लेते हैं, जिसने कंसेंट लिए हो, जिसका शिनाख्ती कार्ड हो, उसको बच्चा हैंड ओवर करते हैं। उसको बच्चा हैंड ओवर करते हैं। बच्चा हैंड ओवर करने का क्या प्रोसीजर है? एक उस पर वो होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म पे हमने साइन लिए होते हैं, शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है। पहले लिया होता है? पहले भी लिया होता है। उसके बाद जब शिनाख्ती कार्ड देखते हैं और थंब लगा होता है और पेशेंट का जो उसका बाप होता है, ख़ास तौर पे जो बच्चा होता है, उसके बच्चे का नाम पूछते हैं कि यही नाम है, फिर उससे कन्फर्म करते हैं और उसके बाद फिर सबके सामने बच्चा मतलब देते हैं। ठीक है। थंब प्रिंट भी लेते हैं? थंब प्रिंट भी लेते हैं। थंब प्रिंट भी लेते जी लेते हैं। और फिर उसके बाद बच्चा आप लोग हैंड ओवर कर जी देते हैं? कर देते हैं। ऐसे ही है। और उसके साथ हम लोग उसका रिश्ता लिखते हैं कि आप है। रिश्ता लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, थंब होता है, शिनाख्ती कार्ड होता है। ठीक है, फिर आप लोग दे देते हैं? हाँ जी। इससे पहले कभी ऐसा कोई केस हुआ इस हॉस्पिटल का? नहीं नहीं हुआ। नहीं, सारे मामला ठीक जा रहे हैं? कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ ना। डॉक्टर साहब क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद, OT टेक्नीशियन है। नहीं नहीं, मैं OT टेक्नीशियन हूँ। ठीक है, मैं 26 ईयर से इधर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक कभी ऐसा कोई वाकया नहीं। सवाल सवाल दे करन दे। बच्चा आप लोग जब डिलीवर करते हैं अंदर, ठीक है जी जी, तो आगे अटेंडेंट को आप देते हैं जी जी, रिसीविंग लेते हैं जी जी। ठीक हो गया जी। वो रिसीविंग के कोई पेपर्स, कोई चीजें होती हैं? हाँ जी, फाइल के ऊपर एक स्टैंप लगी होती है। हाँ जी, मैं दिखा दें। ले आए, जनाब यहाँ पर कैमरा लगा है? ये तो बताएं, कैमरा लगा हुआ है? कैमरा किधर है? जी इधर का, ये सामने पीछे लगा हुआ है, ये बैक पर दिखाएं जरा। ये कैमरा लगा हुआ है और इस एरिया से हटके जैसे ही हम बाहर जाते हैं, जो इनका कॉरिडोर टाइप है, तो वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस दिन वो बच्चा नौमौलूद हुआ, ये भी फुआल नहीं था और बाहर वाला भी फुआल नहीं था जी। ये हमारा फॉर्म जिसमें मरीज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके खावन का नाम लिखा हुआ है, लड़का है या लड़की है, ऑपरेशन थिएटर है या लेबर रूम है, ठीक है, ठीक है, वसूल करने वाले का नाम है, मरीजा से रिश्ता है उसका जो भी है, शिनाख्ती कार्ड का नंबर है उसका, मोबाइल का नंबर है, ठीक है, उसके दस्तखत लेते हैं, ये निशानी अंगूठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, सारे प्रिंट, 3-4-5 उंगलियों के प्रिंट्स आ गए। ये मैंने बच्चा रिसीव करवाया, ये मैंने अपना नाम भी लिखा है, अपने दस्तखत भी किए, सीसीटीवी कैमरे के सामने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। हाँ जी। ये क्या है? ये भी फॉर्म इसका ही है, ठीक है, ये बेबी का, बेबी जो हुआ, बेबी का भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई हो सकता है ना कि बच्चे अंदर दो हो रहे हैं एक टाइम, दो टेबल चल रही हूँ, ठीक है, दो बच्चे हैं, तो एक बाहर से कोई रफड़ डालता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ठीक है, या कोई मसला हो जाता है, हम फिंगरप्रिंट ले लेते हैं उसी वक्त बच्चे का सारा। ये फिंगरप्रिंट नहीं, फिंगर नहीं, पांव के हैं,
ये प्रिंट्स आप तब लेते हैं जब बच्चा अंदर डिलीवर होने के बाद, जब सफाई करते हैं ना बच्चे को उसके बाद, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। बहुत अच्छा प्रोसीजर है आपका। ये वाला पेज और ये पेज, ये एक ही प्रोसीजर है? जी जी, एक ही प्रोसीजर है। अच्छा, उस दिन क्या मसला हुआ था? उस दिन ये भी कैमरा नहीं चल रहा था, बाहर वाला भी। बस ये हमारा ये ना थोड़ा सा ये काम हो रहा था, इस वजह से ये सीलिंग लगाई थी ना, उस वजह से कैमरा उतरा हुआ था, जरा डिले हो गया उसमें लगने में, ठीक है ना। अच्छा, और तो कुछ? तो आवाज जब लगाते हैं आप लोग बाहर, तो वो क्या सिस्टम है? वो आवाज लगाते हैं कि पेशेंट के साथ जो भी है ना वो आ जाए, ठीक है ना। पेशेंट की ये जो बच्चा है ना, उसकी वालदा होती है अंदर, उसके नाम से हम उनको कहते हैं कि फरजाना उसका बेबी लेना है, तो आप जो भी जिसने लेना वो अंदर आ जाए। आवाज तो कोई और लगाई गई थी ना? नहीं नहीं, आवाज उनके साथ एक और पेशेंट थी, उसका नाम था फौजिया। हाँ। तो ये जो औरत इधर बैठी हुई थी उसका नाम भी फौजिया था, ठीक है। तो वो नीचे गई हुई थी, वो फौजिया उठ के अंदर आ गई थी, ठीक है। हाँ जी, तो उसकी वजह उसको अंदर लेडी डॉक्टर के साथ उसकी टॉकिंग हुई है, जो भी उसके मामला तो हुए लेडी डॉक्टर के साथ हुई है, फिर उसको बुलाया, फिर उसके इधर उसके फिंगरप्रिंट लिए, तो फिर उसको बच्चा रिसीव। कितने फिंगरप्रिंट्स लिए? इस पे तो 5 है। उस दिन कितने लिए थे? उस दिन वो स्टाफ तो इधर थी, वो उसने लिए थे, तकरीबन एक ही लिया था। एक ही लिया था, और वो भी शहादत की उंगली का लिया था तकरीबन। तो आईडी कार्ड भी नहीं लिखा था लेके, कोई तस्वीर भी नहीं उतारी? आईडी कार्ड का नंबर इधर फाइल के ऊपर होता है, उस वक्त होता है वैसे, ठीक है ना। आईडी कार्ड का नंबर तो उसी वक्त हो जाता है जब होता है ना मरीज दाखिल होता है, उस वक्त भी होता है, ठीक है। ये जो LHV जो बच्चे को लेकर गई है अपने शौहर के साथ, ये पहले भी यहाँ आती जाती है? नहीं नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, बिल्कुल कभी नहीं देखा। मास्क लगाया हुआ था, ऊपर चादर ली हुई थी, बुर्का पहना हुआ। मतलब देखें, मैं एक एंकर हूँ, एक सर्टिफाइड हमारा चैनल है, मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरी हदूद नहीं है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर है, बाहर से कोई भी आए आके ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुंह उठा के चला जाए? नहीं नहीं, नहीं उसको ये उसको नहीं, उसको आवाज दी थी लेडी डॉक्टर ने, बुलाया था। अच्छा, किसके साथ जो है ना रैली ना, वो फौजी उसके साथ जो फौजी अटेंडेंट है उसको बुला लें, ठीक है ना। अच्छा, उसको बुलाया, ठीक है ना। तो फौजिया उसके साथ थी ऑलरेडी, उसकी नंद थी, उसका नाम फौजिया था डॉक्टर के कहने पे, ठीक है ना। वो नीचे बैठी हुई थी, जो असल फौजिया थी ना जो उनके साथ थी, बच्चे की फुफो थी वो नीचे बैठी हुई थी, तो ये फौजिया बन के इधर बैठी हुई थी। अंदर कितने डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? अंदर डॉक्टर एक बेहोशी वाला होता है, एक लेडी डॉक्टर होती है, हाँ जी एक लेडी डॉक्टर होती है, साफ उसके एक स्टाफ होती है क्वालिफाइड, और एक OT होता है, ठीक है। टोटल 6 से 7 वहाँ, 5-6 तकरीबन। तो ये 6 से 7 लोग इन्वॉल्व थे? नहीं नहीं, वो तो ये तो सर्जरी के दौरान, नहीं नहीं सर्जरी के दौरान की बात हो रही है, जाहिर है इतना स्टाफ होगा तो सर्जरी करेंगे, कोई हेल्पर होगा, कोई, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स हैं, सभी है। उस दिन जब बच्चा अगवा हुआ है, ये 6-7 लोग सभी इन्वॉल्व थे? टीम में तो शामिल थे सारे, ठीक है ना, लेकिन हाँ टीम में तो शामिल थे, सर्जरी के दौरान मौजूद थे, ठीक है ना, मौजूद थे, कोई असिस्ट करा रहा है, ठीक है ना, कोई अपना काम कर रहा है, कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। इन्वॉल्व हुए? नहीं, इन्वॉल्व का मतलब ये है कि हम मतलब जो क्राइम हुआ है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। उनको टीम में काम किनको, उनको नॉलेज थी किनको कि इस तरह से बचा? नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, मैं OT टेक्नीशियन इंचार्ज हूँ, मुझे भी नहीं इन्फॉर्म इस चीज का, नहीं नहीं किसी चीज का पता, ये तो बाद में पता चला है, जब उनके बच्चे के साथ वाले हैं ना, उन्होंने शोर डाला है कि हमारा बच्चा किधर है, वो तो बच्चा हमने तो आपको दे दिया है। उस दिन अंदर पैदा हुआ? एक ही था, एक ही केस था, हाँ जी सिजेरियन केस, सिजेरियन, जी जी। तो एक ही बच्चा किसी और के हाथ, वो उनके साथ जो उनकी फूफो बाद में आई है ना फौजिया, वो कहती है मुझे तो ये पता था कि अंदर और भी केस हो रहे हैं, हाँ जी। उन्होंने कहा कि हमें तो ये पता है, अंदर कहें कि 3-4 बच्चे एट अ टाइम पैदा हो रहे हैं, चलो जी मिक्स हो गया, एक का दूसरे के पास चला गया, एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, तो इट मींस के सारा प्लांटेड हुआ है। प्लांटेड जो भी है लेकिन हमें नहीं इस चीज का पता, प्लांटेड जो भी है लेकिन हमें नहीं इस चीज का पता। क्योंकि मैं तो प्रोसीजर करवा रहा था लेट डॉक्टर के साथ, हमें किसी चीज का नहीं पता कि कोई प्लांटेड है कि नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस फील हो रहा था? नहीं, बस नॉर्मल ही था उनका फेस, पेशेंट भी थोड़ा सीरियस हो गया बाद में, जाहिर बात हम लोग तो पेशेंट के साथ लगे रहे हैं, ठीक है। क्यों सीरियस हो गया? वो ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी PPH हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो फिर सिस्टेक्टमी करनी पड़ी ना पेशेंट की, ठीक है ना। इस वजह से क्या था? सिजेरियन प्लस हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी में अक्सर पेशेंट को ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है? बच्चेदानी निकालना, बच्चेदानी निकालते हैं ना, रिमूव करना, उसमें अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसकी इजाजत पहले ली हुई थी? हाँ जी, कंसर्न लेते हैं। ले ली थी? बिल्कुल सही है, कंसर्न लेते हैं। सिजेरियन के दौरान अगर PPH हो जाए या प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए तो वो उस दौरान ही कंसेंट लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाँ ये जरूरी नहीं होता है। किससे लेते हैं?
पेशेंट के अटेंडेंट से, हस्बैंड से लेते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, कंसेंट वगैरह सारा कुछ हुई है, फिर उसके बाद ही डॉक्टर क्या ना, उसके कंसेंट सिर्फ हस्बैंड देते हैं, बाकी हाँ जी जाहिर है, और वो भी अकॉर्डिंग टू एज आप फैसला करते हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू एज, यंग यंग एज में तो नहीं होता। अगर पहला बच्चा भी है ना, अगर पीपीएच हो गया, सीवियर हो गया, लेडी डॉक्टर समझती है कि मरीज की जान जा रही है, तो हिस्टेक्टमी जो प्रोसीजर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाए ना, ये हिस्टेक्टमी जरूरी होती है, ये नहीं होता कि, ठीक है ना। अब हम चलते हैं उस घर में, उस बाप के पास, उस माँ के पास जिनका बच्चा अगवा हो गया। जब मैंने ये मंजर देखा है, फिर आके मैंने बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पेशेंट का अभी पेट भी आप लोगों ने बंद नहीं किया, मैंने इसके सारे ऑपरेशन थिएटर के अभी शीशे तोड़ देने हैं, मैंने उनको स्टाफ को कहा है। तो मेरे भाई ने कहा है कि हम मैं आपकी क्लियरनेस कर दूंगा, उन्होंने कहा उस वक्त तक मैंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना जब तक 25,000 आप जो है वो सबमिट करवा के नहीं आते। उन्होंने मेरे भाई को कहा है कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, तो लेकिन आपने अभी किसी को बताना नहीं। फिर मैंने ऊपर मुँह किया, मैंने कहा मुबारक तो दी हमारा बच्चा दे, कहती बच्चा तो वो औरत ले गई, मैंने कहा हाँ मुबारक हमें दी, बच्चा हमारा वो औरत क्यों ले गई है। उन्होंने कहा बीबी चुप करे, हमें अपने अमले पे, हमें अपने डॉक्टर पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर यकीन है तो फिर हमारा बच्चा अंदर अंदर कैसे गायब हो गया। बाद में पता चला है कि जो लेडी डॉक्टर सदीका सऊ साहब हैं, उनका जो अपना जो बेबी होने वाला है वो अब नॉर्मल है, इस वजह से वो हमारे बच्चे को हासिल करके हमें अपना अब नॉर्मल बच्चा देना चाहती थी। जो पेशेंट था उसका पेट खुला हुआ था, पास खड़ी एक अनट्रेंड जो नर्स थी, उसके हाथ में मैंने गॉज पीस देखे हैं, हाँ। वो उसके साथ ब्लड साफ कर रही है, पेट के अंदर से पेट बिल्कुल खुला हुआ है। जब मैंने ये मंजर देखा है, फिर आके मैंने बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पेशेंट का अभी पेट भी आप लोगों ने बंद नहीं किया, मैंने इसके सारे ऑपरेशन थिएटर के अभी शीशे तोड़ देने हैं, मैंने उनको स्टाफ को कहा है। तो मेरे भाई ने कहा है कि हम मैं आपकी क्लियरनेस कर दूंगा, उन्होंने कहा उस वक्त तक मैंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना जब तक 25,000 आप जो है वो सबमिट करवा के नहीं आते। उन्होंने मेरे भाई को कहा है कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, तो लेकिन आपने अभी किसी को बताना नहीं। फिर मैंने ऊपर मुँह किया, मैंने कहा मुबारक तो दी हमारा बच्चा दे, कहती बच्चा तो वो औरत ले गई, मैंने कहा हाँ मुबारक हमें दी, बच्चा हमारा वो औरत क्यों ले गई है। उन्होंने कहा बीबी चुप करे, हमें अपने अमले पे, हमें अपने डॉक्टर पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर यकीन है तो फिर हमारा बच्चा अंदर अंदर कैसे गायब हो गया। बाद में पता चला है कि जो लेडी डॉक्टर सदीका सऊ साहब हैं, उनका जो अपना जो बेबी होने वाला है वो अब नॉर्मल है, इस वजह से वो हमारे बच्चे को हासिल करके हमें अपना अब नॉर्मल बच्चा देना चाहती थी। जो पेशेंट था उसका पेट खुला हुआ था, पास खड़ी एक अनट्रेंड जो नर्स थी, उसके हाथ में मैंने गॉज पीस देखे हैं, हाँ। वो उसके साथ ब्लड साफ कर रही है, पेट के अंदर से पेट बिल्कुल खुला हुआ है। बच्चे के घर पर मैं आ गई हूँ, अंदर चलते हैं और बच्चे से सबसे पहले मुलाकात करते हैं। बच्चे के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा बेबी जो है वो भी इनकी गोद में है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने आपको बेटा नसीब किया है, अता किया है। खैर मुबारक। क्या हो गया था उस दिन? उस दिन ऑपरेशन थिएटर में जो है ना, वो इनकी मिली भगत थी लेडी डॉक्टर जो सदीका सऊद हैं, उनके साथ कोई जो है LHV कोई जो मिली हुई थी साथ, तो इनका जो प्लान था ना, वो आपने उधर हॉस्पिटल में देखा है कि कैसे प्लानिंग हुई है इनकी, फ़ोन पे बात हुई है इनकी, और उन्होंने वो बच्चा खुद हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया है। उन्होंने कहा ये बच्चा जो है ना मैं हासिल करना चाहती हूँ, इस वजह से उसने ऑपरेशन थिएटर में जो है ना इसके अंगूठे वगैरह अपने इसके पाँव लगवा के ना सारे, तो ऐसे बच्चे को ले गए साथ। तो वो खुद क्यों हासिल करना चाहती थी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सदीका जी? वो तो अभी पता चलेगा, कार्रवाई हो रही है, SHO साहब और DSP साहब बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ तावन किया है और कार्रवाई हो रही है, इसे ये बात भी पता चलेगा अभी। अच्छा अच्छा, आप उस दिन साथ थी? जी मैं उस दिन साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया। शाजिया, शाजिया आप अटेंडेंट हैं? जी। आप साथ थी ना? जी मैं अपने भाई के साथ थी उस दिन। अच्छा क्या हुआ था जरा मुझे बताएं थोड़ा, मतलब इन्होंने रिसीविंग नहीं दी आपको,
क्या मामला बना? हम जब गए ना ऑपरेशन करवाने के लिए, हम लोग 11:30 बजे घर से गए हैं हॉस्पिटल, तो डॉक्टर से हमारी टाइमिंग फिक्स हुई थी कि जुम्मे के बाद ना आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं गई हूँ, हमसे बाद में जो कैंडिडेट मरीज पेशेंट थी वो आई थी, उन्होंने उसका ऑपरेट कर दिया, हमारा नहीं कहा। मैंने इनसे फिर बात की है कि भाई उनका तो ऑपरेट हो गया लेकिन हमारा ऑपरेट क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर थोड़ा वेट कर रही हैं, वो कहती है मेरे पास कन्वेंस नहीं है। तो फिर उनकी अटेंडेंट आई है, उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि आप 5-10 मिनट तक आ जाएँ, डॉक्टर महमूद हैं उधर जो पेशेंट को बेहोश करते हैं, उन्होंने कहा उनके बेटे की शादी है, उन्होंने चले जाना है। डॉक्टर ने कहा है मैं 3:00 बजे वहाँ से आऊँगी। 3:00 बजे वो डॉक्टर आई हैं, तो फिर 3:30 बजे उन्होंने मरीज़ को ले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो डॉक्टर हम लोग ले के गए हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि अपनी क्लियरनेस करवाएं। तो मेरे भाई ने कहा है कि मैं आपकी क्लियरनेस कर दूंगा। उन्होंने कहा उस वक्त तक मैंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना जब तक 25,000 आप जो हैं वो सबमिट करवा के नहीं आते। फिर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई हैं, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, हमारे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, हमने इतना कोई नहीं गौर किया, वो 1 या 2 मिनट हमारे साथ बैठी हैं, वो साथ ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। उन्होंने हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। डॉक्टर सदीका? नहीं, डॉक्टर सदीका नहीं, वो जो जिन्होंने इसको किडनैप किया है। अच्छा, LHV? हाँ जी, जो हाँ जी, ठीक है, शकीला उसका नाम है। तो अंदर चली गई हैं, तकरीबन 15 मिनट के बाद ना जो अटेंडेंट हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके गई हैं वो आई हैं बाहर। उन्होंने मेरे भाई को कहा है कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, तो लेकिन आपने अभी किसी को बताना नहीं, हम बाकायदा चेकअप करके आपका बेटा आपको देंगे। ये किसने कहा? ये अटेंडेंट ने, अटेंडेंट ने जो ऑपरेशन थिएटर में हमें लेके गई थी, इनकी सदीका सऊद साहब की अटेंडेंट जो उन्होंने रखी होती है ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के लिए। हम लोग आराम से बैठ गए हैं। उसका नाम पता है आपको? नहीं, उसका नाम नहीं मुझे पता। शकीला तो नहीं थी? नहीं, शकीला नहीं थी वो। ठीक है, वो स्टाफ का ही अमला है। ओके, ऑपरेशन। फिर बाद में ना मेरे भाई, हम लोग आराम से बैठे रहे हैं, तकरीबन 15 मिनट के बाद ना एक औरत बेबी को लेके बाहर आई है, आया बाहर आई है। हम दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे, हम लोग बाहर के उधर गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुबारक हो, मैंने भी कहा खैर मुबारक, मेरे भाई ने भी कहा खैर मुबारक। उन्होंने शापर मुझे पकड़ाया, उन्होंने कहा है कि ये आपकी ना कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, चेक कर लें आप। मैंने वो शापर की, उन्होंने 2 गिरह लगाई थी, मैंने 1 गिरह खोली, दूसरी गिरह खोली, मैंने कहा चले ठीक हमारा शापर है, भाई ने कहा आपका ही, मैंने कहा भाई हमारा शापर। फिर मैंने ऊपर मुँह किया, मैंने कहा मुबारक तो दी हमारा बच्चा दें, कहती बच्चा तो वो औरत ले गई, मैंने कहा हाँ मुबारक हमें दी बच्चा हमारा, वो औरत क्यों ले गई है। मैं उधर को सीधी भाग गई हूँ, मेरा भाई सीढ़ियों से भाग के नीचे गया है, तो लेकिन वो औरत ना, उस औरत ने बच्चे को कवर अप और कर लिया था, उन्होंने एक और चादर लेके गई थी, उन्होंने उसमें कवर अप कर लिया था ताकि हम बेबी बिस्तर से बच्चे को ना पहचान सके कि वो औरत जो है ये बेबी बिस्तर के साथ बच्चा लेके जा रही है। ठीक है, तो ऐसे सारा मामला पेश आया है। बाद में फिर पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया है, पंजाब पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट, SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, CID के ऑफिसर थे, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारे उनका मुझे नाम पता नहीं क्या है, जो ये MS हैं बुरहानुद्दीन साहब अराई हॉस्पिटल के, उनके पास जब मैं गई मैं इतना चीखूँ कि आपका अमला, आपका स्टाफ मिला हुआ है, वो कैसे ऑपरेशन थिएटर में, तो उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, कैसे वो एक औरत अंदर घुस गई है। उन्होंने कहा बीबी चुप करें, हमें अपने अमले पे, हमें अपने डॉक्टर पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर यकीन है तो फिर हमारा बच्चा अंदर अंदर कैसे गायब हो गया। उन्होंने कहा बीबी हमने आपको आवाज़ दी थी कि फरजाना बीबी के लवाहकीन आ जाए, मैंने कहा आपने हमें आवाज़ नहीं दी। ठीक है, मैंने कहा मैं बहरी हो गई हूँ, मेरा भाई भी साथ बहरा हो गया था, मैंने कहा ये सारी आप लोगों की मिली भगत है, आया को भी, सिस्टर को भी, उसके बाद लेडी कॉन्स्टेबल्स आई हैं, उनसे भी मेरी यही बहस हुई है कि इन्होंने हमारा बच्चा मिली भगत से अगवा करवाया है, हमारा किसी से, हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेडी डॉक्टर, बाद में पता चला है कि जो लेडी डॉक्टर सदीका सऊद साहब हैं, उनकी उनका जो अपना जो बेबी होने वाला है वो अब नॉर्मल है, उनका अपना बेबी अब नॉर्मल है, इस वजह से वो हमारे बच्चे को हासिल करके हमें अपना अब नॉर्मल बच्चा देना चाहती थी, क्योंकि पहले भी हमारे 2 बेटे ऐसे हैं, इस वजह से उन्होंने ये सारी गेम खेली है। जब थर्सडे वाले दिन ये चेकअप करवाने के लिए गए, उन्होंने कहा है अभी ऑपरेट करवाएं, अभी 9 बजे थे रात के, अब इन्होंने कहा हम तो कुछ भी नहीं ब्लड वगैरह का अरेंज नहीं करके, उन्होंने कहा नहीं करवाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अगर उस दिन ऑपरेट करवाते तो हमारा बच्चा हमें ना कभी भी मिलता, ये तो दिन की रोशनी में सारा मामला हुआ है, हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया। रात को किसने कैमरे चलाने थे, किसने देखना था क्या हो रहा है, क्या वो जहाँ पे मर्जी ले जाता है। ये आपके साथ क्या बाहर बैठी हुई थी ऑपरेशन थिएटर के? नहीं,
एंड टाइम पे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ये उसी वक्त आई है, उसी वक्त अंदर चली गई है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये पकड़िएगा जरा आप माइक प्लीज। अच्छा मुझे सबसे पहले अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारक अमीन है, मैं LHV हूँ। तो जब ये सारा मामला पेश आया तो उस वक्त मैं ज़रा पीछे थी, ये आगे थी। तो मैं जब आई हूँ हॉस्पिटल के अंदर तो मुझे इन्होंने बताया कि भाई ये मामला हो गया, तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले की बात थी। तो मैं फौरी तौर पे ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ। यकीन करके माने, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इनका इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है। माइक पास कीजिएगा जी। बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है। और उसके बाद मैं खुद डायरेक्टली अंदर ऑपरेशन थिएटर में चली गई हूँ। मैंने देखा है ये सदीका जो डॉक्टर है ये चेयर पे बैठी हुई हैं और ये यूं यूं कांप रही हैं। पेशेंट? पेशेंट नहीं, डॉक्टर। अच्छा, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ऑपरेशन रही हैं जी, काम क्यों रही हैं? बाहर उनको पता चल गया था। अच्छा। मैं जब डायरेक्टली गई हूँ अंदर, जाहिर मुझे तो इस चीज़ का बहुत अफसोस था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि देखें 18 साल हो गए थे मुझे भी ये काम करते हुए LHV का, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। पेशेंट कैसा था उस टाइम? उस वक्त ऑपरेशन का जो पेशेंट था उसका पेट खुला हुआ था, पास खड़ी एक अनट्रेंड जो नर्स थी उसके हाथ में मैंने गॉज पीस देखे हैं। हाँ। वो उसके साथ ब्लड साफ कर रही है पेट के अंदर से, पेट बिल्कुल खुला हुआ है। ओए होए होए होए। OT का जो शाहिद नाम का आदमी है वो पास खड़ा हुआ है। हाँ। वो कर रहा है, इतने इतने पांव उसके ये जो टांगे हैं ये ब्लड से भरी हुई हैं। ओए होए। जब मैंने उसको देखा है मेरा दिमाग और घूम गया। जाहिर है ये जो बच्ची है ये हमारी भांजी भी है। मुझे नर्स आगे से कहती है जी स्ट्रेचर लेकर आए। मैंने कहा क्यों स्टिच की उन्हें, आपके पास धागा नहीं है? कहती हैं नहीं जी धागा हमारा ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसको इतनी बात कही है, मैंने कहा जब आपके पास धागा नहीं था तो आपने पेट खोला क्यों? पेशेंट बिल्कुल, आपने कट क्यों लगाया? मुझे कहती है आप ऐसे करें प्लीज़, आप ना चली जाएं, आप जाके धागा लेकर आए। मैंने कहा मैं धागा भी लेकर आऊँगी और मैं बच्चा भी इधर से लेकर जाऊँगी, इसके बगैर मैंने नहीं जाना। फिर मैं फौरी तौर पर गई। माँ बेहोश थी, माँ को कुछ नहीं पता। माँ को कुछ नहीं पता, यकीन करके मानो ऐसे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बिल्कुल ओपन है, वरना नहीं तो कहीं बेशक किसी भी लोकल आप जा नहीं सकते, आप नहीं जा सकते। लोकल क्लिनिक में भी चले जाएं, ऑपरेशन थिएटर में जाने की इजाजत ही नहीं होती हम लोग। और क्या देखा अंदर? अंदर बस मैंने यही देखा कि ये चेयर पे बैठी हुई हैं, जो शाहिद नाम का आदमी है वो खड़ा है पास, और जो नर्स थी उसके हाथ में मैंने गॉज पीस देखे और वो अंदर से पेट ब्लड साफ कर रही है, ब्लड साफ कर रही है। जब मैंने ये मंजर देखा है फिर आके मैंने बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पेशेंट का अभी पेट भी आप लोगों ने बंद नहीं किया, स्टिच नहीं अभी उसको लगी, लेकिन हमारा बच्चा भी गायब कर दिया आप लोगों ने। मैंने इस हॉस्पिटल के अंदर मैंने इतना कुछ करना है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी हमारी शराफत है जो 10-15 मिनट हो गए चुप करके बैठे हैं, मैंने इसके सारे ऑपरेशन थिएटर के अभी शीशे तोड़ देने हैं। मैंने उनको स्टाफ को कहा है, वो कहती है प्लीज़ ज़रा आप लोग खामोश हो जाएं। मैं यकीन करके मैंने ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही हूँ, काफ़ी देर मैंने बैठी रही हूँ क्योंकि ये तो नीचे गलियों में ढूंढने के लिए बच्चे को चले गए। ठीक है, अब आपका कोई मुतालबा है, कोई तहफ़ुज़ात हैं पेशेंट के हवाले से? चूँकि सिजेरियन है, ऑपरेशन है, उनसे बात करना इस टाइम मुनासिब भी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। जी, हमारा मुतालबा ये है कि इनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है इनको सजा ही होनी चाहिए। जी जी, अस्पताल में जो है ना ये इसका जो सब कुछ पूछगिछ होनी चाहिए, सारी जो हो रही है हमें ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारा यही मुतालबा है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि डॉक्टर सदीका जो है गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस बच्चे का, इसकी माँ का ऑपरेशन किया है, जी जी, ये आपकी रिश्तेदार भी हैं? ये रिश्तेदार नहीं, ये रिलेशन इसके जो ससुर हैं, मैं उनके पास काम करता था मेडिसिन का, तो इसी वजह से हम इस रिलेशन की वजह से आए हैं। ठीक है। और जब 8वां माह इसको बेगम मेरी को था तो उस वक्त उन्होंने एक रिपोर्ट करवाई थी डॉक्टर वहीद की, जो उन्होंने देखी है। मैंने उसको सब बता दिया था, मेरे बच्चे ऐसे हो रहे हैं ऐसे, जो मैंने उधर बोला था आपको, तो उसने देखी है रिपोर्ट, और रिपोर्ट वो जो है ना वो कह रही थी कि हमने डॉक्टर के साथ, बड़े डॉक्टर से बात करनी है तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट ही नहीं उन्होंने दी हमें। अच्छा। हाँ, वो रिपोर्ट भी नहीं दी, और बाद में उसने कहा यह थोड़ा सा मसला है आप लाहौर चले जाएँ। हमने लाहौर फातिमा हॉस्पिटल है उधर म्यू हॉस्पिटल के साथ, तो उधर से सारे टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है इसको, तो सब ठीक है, सब ठीक है।
हमारा असल में परेड जो है ना वो लाहौर लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में था, लेकिन उधर हड़ताल चल रही थी डॉक्टरों की, दिन ऊपर चले गए थे, हमने कहा चले पैसे वगैरह जो लगते हैं इधर से हम करवा लेते हैं। तो वो कादरी मेडिकल स्टोर वाले हैं ये, इन्होंने फोन किया था, उनको इनकी बहू हैं तो उन्होंने फोन किया था कि इसका जो है ना परेड कर दें, वो सारे पैसे वगैरह रात को तय हुए हैं। इस बच्चे का नाम आबिद रसूल इसकी फैमिली की तरफ से, वालिदैन की तरफ से रख दिया गया। बिल्कुल मेरी गोद में वो बच्चा है जिसको इस हस्पताल में अगवा करवाया गया। अगवाकार कोई बाहर से नहीं थे, इसी हॉस्पिटल की गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सदीका थी। डॉक्टर सदीका ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और अल्लाह ताला उन पर आजकल में रहमत करने वाले हैं। तबीयत के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर सदीका चूंकि समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने चेकअप्स करवाती रहीं, तो उनको उनके अल्ट्रासाउंड में और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आपके बच्चे का सर प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर रहा और ये बच्चा जो पैदा होगा ये एबनॉर्मल पैदा होगा। डॉक्टर सदीका ने ये प्लान बनाया कि ये पेशेंट जो मेरे पास आई है इस पेशेंट का अर्जेंटली ऑपरेशन करती हूँ, इसके बच्चे को अपनी एक जानने वाली के ज़रिए से अगवा करवाती हूँ, आज कल या परसों में जब मेरी डिलीवरी होगी तो इस बच्चे को अपना बच्चा करके शो कर दूंगी। रही बात इस बच्चे की माँ की, तो ये कह दिया जाएगा कि जनाब आपका बच्चा तो आपको हैंड ओवर कर दिया। ये खातून जो बाहर अटेंडेंट के तौर पर बैठी हुई थी, इन्होंने कहा कि हमारे नाम की आवाज़ ही नहीं लगाई गई, प्रॉपर बेबी की रिसीविंग का जो तरीक़ाकार होता है वो मैंने आपको सारे का सारा हॉस्पिटल में खड़े होकर दिखाया, जहाँ से ये बात क्लियर होती है, आया होती है कि डॉक्टर इसमें 100% मुलव्विस है, साथ का अमला मुलव्विस है, अगवाकार मुलव्विस है और ये सारे का सारा स्नैरियो है। अपने इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई गलत हरकत देखते हैं तो फौरन आप लोग 15 पर कॉल करें, जैसे कि इन्होंने 15 पर कॉल की। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे। इसके बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला होगा कि मेरा बच्चा जो दुनिया पे आए चंद मिनट हुए हैं उसको अगवा कर लिया। तो पढ़े लिखे तबके ने ये काम किया है, किसी जाहिल अनपढ़ उचार ने नहीं किया, एक गायनाकोलॉजिस्ट ने किया। इसी प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको जानबूझ के वो बैनर दिखाया जिस पर लिखा हुआ था गायनाकोलॉजिस्ट की अशद जरूरत है। इन्होंने तहफ्फुज़ात जाहिर किए और कहा कि मैं एमएस के पास गई हूँ, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मुझे कहा चलो बीबी हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, भई आपके डॉक्टर इतने अच्छे थे तो आपने बच्चे अगवा क्यों करा दिए, आपके डॉक्टर इतने अच्छे थे तो फिर आपने उसको फारिग करके बैनर बड़ी जल्दी लगा दिया, बाहर के गायनाकोलॉजिस्ट की अशद जरूरत है। अब हम चलते हैं पुलिस के पास और पुलिस से हम डिटेल के साथ बात करते हैं, जिन्होंने इस बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर रिकवर किया और वालिदैन के हवाले किया। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जनाब जुबैर सियाल साहब जो कि SHO हैं थाना बागबानपुरा गुजरांवाला में। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जुबैर साहब से लेते हैं कि एक नौमौलूद बच्चा जो बोल नहीं सकता, जिसकी पहचान माँ को मुश्किल से होती है कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो सभी बच्चे एक जैसे लग रहे होते हैं, उनको वॉच पहनाई जाती है, उनको बैंड पहनाया जाता है जिस पर उसके वालिद का नाम लिखा होता है, वालदा का नाम लिखा होता है, तो वहाँ से बच्चे की पहचान होती है कि ये वाला हमारा बच्चा है। अब एक ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद जब उसको उसकी फैमिली के हवाले किया जा रहा है, उसी टाइम उसको बदकिस्मती के साथ गायब कर दिया गया, यानी अगवा कर लिया गया। अब इतने छोटे से बच्चे को अगवा करने की जो स्टोरी है वो मैंने आप लोगों के सामने पेश की है। पुलिस ने इस केस को ट्रेस कैसे किया? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, और क्रेडिट गोज़ टू पुलिस, जाहिर है
जिन्होंने एक ऐसे बच्चे को ट्रेस किया, ना बोल सकता है, ना बता सकता है, ना उसकी पहचान है, ना पता चल रहा है, तो कैसे ट्रेस किया, ये हम जुबैर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जुबैर साहब, FIR दर्ज हुई या 15 की कॉल आई थी? ये बेसिकली जी तकरीबन 4:30 बजे के करीब, 15 तारीख को 4:30 बजे के करीब पुलिस को 15 की कॉल महसूल हुई कि एक अर्राई हॉस्पिटल है, बेसिकली ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इधर से एक नौमलूद बच्चा जो है वो किसी नामालूम औरत ने अगवा कर लिया है। तो पुलिस ने 15 की कॉल पे फौरन रिस्पॉन्ड किया। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए सीनियर अफसरान बशमूल SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP सिटी और SDPO SHO सारे मौके पर पहुंचे। CPO साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया, इसको फिल फौर जो है वो लखते जिगर को ढूंढ के वालदैन को हवाले किया जाना चाहिए। तो फौरन जो है वो पुलिस ने जाके क्राइम सीन को विज़िट किया। क्राइम सीन का विज़िट करने पर पता चला कि एक नामालूम औरत है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर से नौमलूद बच्चे को लेके जा रही है। तो जो औरत है अगवाकार, उसने अपना गेटअप बिल्कुल अबाया पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल उसने छुपाई हुई है। तो पुलिस ने टीमें तशकील दी जिसमें हमने CCTV कैमराज को चेक किया। CCTV कैमराज को चेक करने पे हमें पता चला कि ये एक औरत है जो आती है हॉस्पिटल में ऑपरेशन जब स्टार्ट होता है तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के वेट करती है, अटेंडेंट बनती है, अपने आप को जाली अटेंडेंट शो करती है, और जैसे ही ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है वो बेबी को है अपने साथ लेके तो वो भाग जाती है। तो पुलिस ने सिजेरियन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है? जी बिल्कुल, ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वो बेचारे जो जिनका बेबी पैदा हुआ है ऑलरेडी उनके 2 एबनॉर्मल बच्चे हैं और ये उनका सही बच्चा पैदा हुआ था, तो उसको ये औरत जो है अगवा करके लेके जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कि अगवा करके लेके जा रही है, आपको जाहिर है घर वालों ने बच्चे को तलाश किया, परेशान हुए, पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस मौके पे पहुंच गई, फिर क्या किया? जी पुलिस मौके पे पहुंच गई, जब आपको सीनियर अफसरान मौके पे पहुंचे, हमने इस पे 3 टीमें तशकील दी। एक टीम जो है वो CCTV पे वर्किंग करेगी जब ये अगवा कर बच्चे को लेके जा रही है, किस साइड पे लेके जा रही है, ताकि वो ट्रेल बने CCTV से कि किधर जा रही है। एक हमने चेक की कि ये औरत आ कहाँ से रही है अगवा कर, ताकि वो बैक ट्रैक किया जाए कि ये कब आई है और कैसे आई है और इसके साथ कौन और हो सकता है। ठीक है, एक टीम हमने तशकील दी जो हॉस्पिटल के जितने भी CCTV कैमराज हैं वो चेक करें कि उसमें उस औरत अगवाकार की एक्टिविटी क्या रही है, उसमें किससे मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने CCTV कैमराज चेक किए तो विद इन 24 आवर्स हमने वो सारा जो मोमा था उसको हल भी कर लिया, अगवाकार को अरेस्ट भी कर लिया। साथ में पता चला कि उसके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है जो बाइक पे उसको बच्चे को लेके जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सेफली है वो बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, उसको रिकवर्ड भी किया, वालदैन के हवाले भी किया और जितने भी मुलजमान थे वो सारे अरेस्ट कर लिए हमने। अच्छा मुझे बताइए इस केस में कितने मुलजमान हैं? इसमें जी एक अगवाकार औरत है, उसमें उसके साथ जो उसका हस्बैंड है जो बाइक पे उसको बच्चे को लेके जा रहा है और इकट्ठे वो हॉस्पिटल में आते हैं, और तीसरा इंटरेस्टिंगली जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल की जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं जिसने ऑपरेशन किया है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और ये तीनों ने मिलकर ये सारा ड्रामा रचा है। तो तीनों मुलजमान में से 2 हो गई खवातीन और 1 हो गया मेल, ये पुलिस ने अरेस्ट कर लिए? जी बिल्कुल जी, सारे मुलजमान पुलिस ने अरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। अच्छा जुबैर साहब, तीनों मुलजमान पुलिस की हिरासत में है, बड़ी जबरदस्त बात है, और 24 आवर के अंदर अंदर आपने 24 घंटों में उनको अरेस्ट भी किया है और बच्चे को भी बाजियाब आपने कराया। मुझे ये बताइए कि हॉस्पिटल जो है वो कितने बेड्स पर मुश्तमिल है, क्या बड़ा हॉस्पिटल है या छोटा है? जी बिल्कुल जी, अर्राई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और चैरिटी बेस्ड है, तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें रश भी काफ़ी होता है और ये बड़े पैमाने पर इसमें पेशेंट विजिट डेली करते हैं और ऑपरेशन भी हो रहे होते हैं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चा जब पैदा होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, चैरिटी बेस्ड है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें बाहर जो अटेंडेंट बैठे होते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर, वहाँ पर आवाज़ दी जाती है कि आएँ और अपने बच्चे को रिसीव कर लें, तो ये क्या कहानी है? आवाज़ सी थी तो क्या अटेंडेंट बाहर नहीं बैठे हुए थे? जी इसमें बेसिकली क्योंकि अगवाकार और डॉक्टर जो थे वो मिले हुए थे इसमें, उन्होंने पहले प्लानिंग की हुई थी कि डॉक्टर ने बताया था अगवाकार को कि बाहर जो आवाज़ आएगी वो फौजिया नाम की आएगी, तो फौजिया नाम की जब आवाज़ असिस्टेंट उसकी देगे तो आपने अंदर आना है अगवाकार ने, क्योंकि जो अटेंडेंट उसके बैठे हुए थे पेशेंट के उसका नाम तो शाजिया था, शाजिया। तो शाजिया जो बेचारी जो असल अटेंडेंट थी वो तो बैठे हुए थे, शायद कोई और ऑपरेशन हो रहा होगा
तो उसकी ये अटेंडेंट होगी और जाके अपना बेबी लेके जा रही है। ठीक है, तो जब असिस्टेंट ने आवाज़ दी कि उनके अटेंडेंट आए और फौजिया बीबी अंदर आए, तो उसमें शाजिया बीबी बैठी रही है, फौजिया अंदर जाती है एक वाहकार, और डॉक्टर वो उसके बेबी उसके हैंडओवर कर देती है, उसके साथ रिसीविंग लेती है और वो बच्चे को लेकर फौरन बाहर चले जाते हैं। तो ठीक 2 से 3 मिनट बाद घर वालों को पता चलता है, वो चेक करते हैं अंदर जाके कि हमारे बेबी का क्या हुआ है। बिल्कुल, तो वो कहते हैं आपका बेबी तो लेके जा चुकी है। तो वो बेचारे परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं कि हमारा बेबी कौन लेके जा रहे हैं, लेकिन वो उनको बेचारों को कोई नज़र नहीं आता। तो फौरन वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को भी सेफली रिकवर करते हैं और सारा जब बच्चे को हैंडओवर किया जाता है डॉक्टर साहब, उस टाइम थंबप्रिंट्स भी लिए जाते हैं, तो इसमें थंबप्रिंट लिया गया था अगवाकार का? जी, इसमें जो हॉस्पिटल की SOP होती है उसमें जो रिसीविंग होती है उसमें उसकी ID कार्ड भी चाहिए होता है, उसमें उसका थंब इम्प्रेशन भी चाहिए होता है, इसके साथ उसकी पिक्चर भी बनती होती है। लेकिन इस मामले में ना तो ID कार्ड लिया गया बच्चा हैंड ओवर करते हुए, ना ही जो उसकी तस्वीर बनाई गई, बल्कि जब हम इंटरेस्टिंगली जब हमने उसको चेक किया हॉस्पिटल से कैमरा, तो ऑपरेशन थिएटर वाला और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो कैमरा है वो तो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं थे, फाल ही नहीं थे। एक आरजी सा उसका अंगूठा लिया गया, उसके बाद फौरन ही बच्चे को हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, और ना ही तो बच्चे को नर्सरी में रखा गया, ना ही उसके हस्बैंड को बताया गया, ना ही ये सारा काम, बड़े जैसे ही बेबी पैदा हुआ है तो फौरन 2 से 3 मिनट में ये सारा प्रोसेस करके और बच्चे को उन्होंने अगवा करके हैंड ओवर कर दिया और वो लेके चले गए। जुबैर साहब, आपको कैसे शक पड़ा कि इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व है? इसमें जब हमने CCTV कैमराज चेक किए तो हमें एक पता चला कि जो अगवा कार हैं वो ऑपरेशन स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला, और प्रॉपर वो मास्क लगाए हुए हैं और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई है, मशकूक टाइप। तो पुलिस को ये समझ में आया कि ये एग्जैक्ट टाइम पे उनका आना और आगे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ही चले जाना, कहीं और किसी को मिलना नहीं, तो इसमें कोई ना कोई हॉस्पिटल का बंदा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर? ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो वैसे अलाउ ही नहीं होता किसी को जाना ना, बिल्कुल, तो बाहर ही सारी चीजें होती हैं। तो वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो जा रही है और एग्जैक्ट टाइम पे उसका आना और फौरन ही बेबी उसके हैंड ओवर कर देना, तो इसमें समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो पुलिस ने ये चेक किया कि इसमें कुछ ना कुछ हॉस्पिटल स्टाफ भी मिला हुआ होगा। तो वो सारी चीजें करने के बाद टेक्निकल असिस्टेंस ली उनके, वैसे सबके इंटरव्यू हमने कंडक्ट किए, CCTV कैमराज देखे, तो फिर हमें पता चला कि ये बेसिकली जो हमने जब इसको बैक ट्रैक किया तो डॉक्टर जो थी, डॉक्टर की गाड़ी बिट्स गाड़ी थी। ठीक है, तो ऑपरेशन जब वो घर से आ रही थी ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल, तो गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल से तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे वो रोकते हैं और ये अगवा कार, ये मामला सारा केस होने से पहले वो उनसे मिल रहे हैं और गाड़ी में भी बैठ रहे हैं। तो हमने चेक किया कि विट्स गाड़ी किसकी है, तो विट्स गाड़ी चेक करने में पता चला कि वो डॉक्टर साहिबा की गाड़ी है। सब आपने 24 घंटे में कर लिया? ये अल्हम्दुलिल्लाह सब 24 घंटे में कर लिया। इसमें ये केस बड़ा हाईलाइटेड मामला था, इसमें सारे सीनियर अफसरान इन्वॉल्व थे कि एक नौमौलूद बच्चा है, उसकी जिंदगी का मामला है, ना बोल सकता है ना कुछ कह सकता है, और घर वाले बड़े परेशान थे। तो पुलिस की टीमें जो है उस पर काम करती रही, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा प्रोसेस जो है वो 24 घंटे में मुकम्मल हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये मुझे बताइए, जुबैर साहब ये बताइए मुझे कि इसमें डॉक्टर का इंटरेस्ट क्यों था? जो अभी तक इसमें तहकीकात तो अभी तक हो रही हैं मुलजमान से, जो मुलजमान ने बयान दिया उसमें उन्होंने यही कहा था कि डॉक्टर खुद जो है उसका बेबी पैदा होने वाला था, तो डॉक्टर ने अपना कुछ चेकअप करवाया, उसमें उस डॉक्टर ने किसी ने बताया कि इसमें शायद अब नॉर्मल बेबी है, तो डॉक्टर अपना बच्चे को रिप्लेस करने के लिए वो ये कर रही थी कि शायद मेरा घर बच जाए और मैं इनका एक सेहतमंद बेबी जो है वो उसको अडॉप्ट कर लूं, और ये बेचारे परेशान करते रहे। ठीक हो गया। डॉक्टर का नाम है अकीला? डॉक्टर सदीका ये गायनाकोलॉजिस्ट है, ये 6 माह से इधर ही कर रही है हॉस्पिटल में काम। ओके, और बाकी 2 मुलजमान का नाम बता दो। जो अगवाकार औरत है जो बच्चा लेके जाती है उसका नाम शकीला बीबी है, लेडी हेल्थ वर्कर है वो। ठीक है, और उसके हस्बैंड जो साथ बाइक चला रहा है वो भी आता है और साथ बच्चे को लेके जाता है, उसका नाम इशफाक है। ये तीनों मरकजी मुलजम हैं। ठीक है, बच्चे की माँ का उस टाइम क्या सिस्टम था, क्या हालत थी, क्या आपने उनसे मिले थे, आपको सवाल किया था उससे?
नहीं ऑपरेशन थिएटर में ही थी वो उस वक्त, और उनका तो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था और उनको बेचारों को तो पता ही नहीं था, वो तो बाद में होश आई तो उनको पता चला, लेकिन वो बच्चे के वालिद और बच्चे के बाकी जितने भी रिलेटिव थे बहुत परेशान थे और हॉस्पिटल इंतजामिया के अगेंस्ट वो काफी कर रहे थे कि SOP भी पूरी नहीं की गई और हमारा एक सेहतमंद बेबी जो उन्होंने किसी और के हवाले कैसे कर दिया है, तो काफी ज्यादा वो वरीड थे, परेशान थे, काफी रश था। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी कि बेबी हमने सेफली रिकवर किया और वालदैन के हवाले किया, तो पुलिस के लिए उन्होंने बड़ी नारे जाहिर है जी, जाहिर है एक तो बच्चा मिल गया और बहुत जल्द उसको आपने ट्रेस किया जी, बिल्कुल जी। अच्छा जुबैर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम अक्सर औकात देखते हैं कि हॉस्पिटल से नौमौलूद बच्चे जो हैं वो अगवा हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, क्या मैसेज देंगे? ये बड़ा एक सीरियस मामला था जो मतलब नॉर्मलूद बच्चा है, इसमें हॉस्पिटल की जो SOPs उन्होंने लिख के लगाई होती हैं वो प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, ना कि वो लिखने की हद तक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसमें प्रॉपर उसका ID कार्ड होना चाहिए, उसकी रिसीविंग होनी चाहिए और हर चीज़ को लुक आफ्टर करना चाहिए। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में विजिट इसलिए करते हैं ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो रहा ये काम हो रहे हैं तो बेचारे कहाँ जाएँ, तो लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे की कंडीशन क्या है और वो कैसा है, तो अगर वो मिसप्लेस हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो उस वालदैन पे क्या बीतेगी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉस्पिटल वालों ने आपके साथ कोऑपरेट किया या नहीं? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें जितने भी CCTV कैमराज की मॉनिटरिंग करनी थी उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया और जितना भी स्टाफ था वो कोऑपरेटिव था, उन्होंने कोऑपरेट किया, उनके खुद अपना उनके लिए बड़ा ये एक अंदोनाक मामला था और वो खुद चाह रहे थे कि जितना जल्दी ये वर्कआउट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। उनका बच्चा उनके हवाले, आपका बच्चा आपके हवाले, अपने बच्चे की परवरिश, अपने मरीज का ध्यान आपने खुद रखना है। अगर हालात व वाकयात पर छोड़ेंगे तो खुदा न खास्ता इस किस्म के हालात व वाकयात रुनुमा होंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।